हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल मैप के बारे में। गूगल मैप पे अगर आपको अपना लोकेशन डालना है, अगर आपको घर है, शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट है, कॉलेज है, तो उसका जो लोकेशन डालना है, ऐड करना है लोकेशन, वो आप कैसे डालेंगे। तो कई बार क्या होता है कि आपका बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, और कोई आउट ऑफ सिटी से आ रहा है, आपको बहुत टाइम से कॉल कर रहा है, बट आपके पास तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो गूगल मैप है वो काफ़ी डेवलप हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है आज का इन जनरेशन में, इन दिस टाइम। तो उसके द्वारा बहुत आप कहीं भी जा सकते हो, गूगल मैप के द्वारा आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो अगर उस गूगल मैप पे आपका एड्रेस नहीं है तो वो कैसे ऐड करें, आज की वीडियो में यही बात करेंगे, मैं आपको बताऊँगा भी करके। तो ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आपका एड्रेस जो है, आपका लोकेशन जो है, आप गूगल मैप पे ऐड करते हैं तो वो काफ़ी इजीली आप तक पहुंच जाएगा और आपसे कांटेक्ट कर लेगा। अगर गूगल मैप पे नहीं है आपका लोकेशन तो ये डाल सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपना गूगल मैप ऑन करना है, आप ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, बट इनबिल्ट हर फ़ोन में गूगल मैप दिया जाता है और ये काफ़ी डेवलप हो गया है इस टाइम पर। तो सबसे पहले ये आपका लोकेशन दिखा देगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ जो 3 डॉट है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद जो सबसे नीचे है टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके बाद है ऐड ए मिसिंग बिजनेस, तो इस पर क्लिक करना है आपको ऐड ए मिसिंग बिजनेस पे। तो जो आपका प्लेस है, आपका घर है, अगर आपको आपका घर का एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, या आपका कोचिंग सेंटर है, आपका बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, ऑफिस है, तो उसका नाम डाल दें आप। तो मैं होम डाल लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से जो है मार्क कर ले लोकेशन ऑन मैप। तो जो आपके लोकेशन है, जो आपका घर है, वो आप मार्क कर ले। इससे एक्यूरेट लोकेशन जो पहुँचना चाहता है आप तक, इससे आपका जो एक्यूरेट लोकेशन है वो उसको पता चलेगा। तो आप मैप पे मार्क कर ले जूम करके, जितना ज़्यादा जूम करेंगे आप उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो आप, मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसने देखिए फाइंड कर लिया है, उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना कि किस कैटेगरी में है, या आप रेस्टोरेंट है आपका, स्कूल है, कैफ़े है, या होम है, घर का एड्रेस आप यहाँ पर डाल रहे हैं, तो जो भी चीज़ है आप यहाँ पर डाल सकते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी आपको पता है क्या होता है, तो होम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जिससे आपका आप तक वो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेगा और आप तक पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आपका इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हावर्स, तो कितने, अगर एग्जांपल के लिए आपका कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ओपन रहता है, सैटरडे संडे क्लोज होता है। तो इन सबको आप मार्क करते चलिए, और जो जिस दिन ऑफ होता है उस दिन अनमार्क कर दें आप। उसके बाद अगर 24 आवर्स ओपन रहता था, 24 आवर्स पे आप क्लिक कर दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या करेगा कि उसके बाद ये साफ आपको फिल कर लेना। फिल करने के बाद यहाँ पे आपका जो ऊपर जो ऐड प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड प्लेस पे सारी डिटेल फिल करके आप ओके कर दें। तो विद इन ए 24 आवर्स में आपका जो एड्रेस है, आपने जो एड्रेस पुट किया है गूगल मैप पे, वो 24 घंटे के अंदर शो होने लग जाएगा, और आप के पास जो भी पहुंचना चाहता है वो आप तक गूगल मैप के द्वारा पहुंच जाएगा काफ़ी इजीली। तो इस वीडियो में यही बताना चाहता था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है और आपको अच्छी लगी है। तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इस जनरेशन में गूगल मैप काफ़ी एडवांस है, डेवलप है, तो इसका यूज़ करें अपने बिजनेस, अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने एड्रेस को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, घर का एड्रेस, जो भी एड्रेस नहीं है गूगल मैप पे आप डाल सकते हैं। इस वीडियो में यही बताना चाहता था। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।